सत श्री अकाल दोस्तो, तुहाडा सारयां दा इक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीआं खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहलां जे तुसी हजे तक इस वीडियो नूं लाइक नहीं कीता तां लाइक जरूर करो अते अंत तक देखदे रहो। दोस्तो, तुहानूं सब नूं बेनती है कि इस वीडियो नूं पूरा जरूर देखो। खबरां विच अगे वधण तो पहलां जाणदे हां अज दे मुख हैडलाइन। कैप्टन ने नरेंद्र मोदी नूं कीती अपील, गरीब परिवारां दे खातिआं विच सरकार 10-10 हज़ार रुपए पावे। जी हां, 1 जून तो कार धोण अते बगीचा दी सिंचाई ते लगेगी सख्त पाबंदी। अगे दसांगे पूरी खबर विस्तार विच। पंजाब नूं मौसम विभाग ने बारिश ते तेज हवावां चलण दी दित्ती चेतावनी। किसानां लई सरकार दी नवीं स्कीम, बिल्कुल घट व्याज दर ते 5 लाख तक दा लोन। जी हां, अगे दसांगे पूरी खबर विस्तार विच। बीज घोटाला ते अकाली दल ते मजीठिया दा 22 जिलियां विच एक्शन, कसूती किरी कांग्रेस। अजिहा गुरुद्वारा जिथे कदे नहीं बनदा लंगर, फिर भी नहीं जांदा कोई भुखा, ना है उथे कोई गोलक। की तुसी जानदे हो पंजाब दे इस गुरुद्वारा साहिब बारे? अगे दसांगे पूरी खबर विस्तार विच। टिड्डी दल बहुत खतरनाक, झुंड विच 15 करोड़ मेंबर, एक दिन विच खा जांदा 35 हज़ार लोकां दी रोटी। दिग्गज कंपनी वालों 12 हज़ार कर्मचारियों नूं नौकरी तो कढ़न दा वड्डा ऐलान। दोस्तों, खबरां विच होर भी बहुत सारियां महत्वपूर्ण जानकारियां हन, तुहाडे तो कोई जानकारी खुंझ ना जावे, इसलिए वीडियो नूं अंत तक जरूर देखो, क्योंकि दोस्तों असीं सिर्फ तुहाडे लई सच्चियां खबरां ते काम दीआं खबरां ही लियांदे हां। तां आओ जाणीए अज दी पहली वड्डी खबर। कैप्टन ने नरेंद्र मोदी नूं कीती अपील, गरीबां दे खात्यां विच जमा करवाए जाण पैसे। जी हां, दस दईए कि कोरोना वायरस महामारी दे चलदिआं देश भर विच लॉकडाउन होया है। इस दा सब तो ज्यादा प्रभाव प्रवासी मजदूरां ते पिया है। इस दे मद्देनजर पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपील कीती है। जी हां, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी नूं अपील कीती है कि ओह सारे प्रवासी मजदूरां ते गरीबां नूं नकद राशि प्रदान करन लई भारत सरकार नूं कहण। उन्हां कहा कि सरकार मनरेगा तहत पेंडू गरीबां नूं वध तों वध रोजगार प्रदान करन अते सूखम, लघु ते दरमियाने उद्योग नूं मुड़ सुरजीत करन लई वित्तीय सहायता मुहैया ਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਾਰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਬੂਸਟਰ ਪੰਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। IMD ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਥਾਈਂ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 44.2 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 43.5 ਅਤੇ 44.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ 42.9 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
किसानां लई सरकार दी नवीं स्कीम 4% ब्याज दर ते 5 लाख तक दा लोन। जी हां, तुहानू दस दईए कि छोटे किसानां दी मदद करन लई सरकार ने खास योजना बनाई है। भारत सरकार वल्लों क्रैडिट कार्ड रखण वाले छोटे किसानां नू बिना गरंटी दे 1,60,000 रुपए तक KCC कर्ज देवेगी। माहिरां मुताबिक किसान 3 सालां तक 5 लाख रुपए तक दा KCC लोन लै सकदे हन। इस KCC लोन दे ब्याज दर बहुत ही घट है, यह सिर्फ 4% सालाना है। इस विच दस दईए कि किसान क्रैडिट कार्ड दी सुविधा लैण PM किसान सम्मान निधि योजना विच अकाउंट खुलवाना लाजमी हुंदा है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल लई लाजमी हुंदा है। इस दी खास गल ए है कि सारे KCC कर्ज फसल बीमा योजना दे अंदर कवर हुंदे हन। जी हां, दस दईए कि केंद्र सरकार ने कहा है कि ओह करीब 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट वंडन जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड को ऑपरेटिव बैंक ते खेतरी ग्रामीण बैंक तो लिया जा सकता है। इस तो इलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया ते IDBI बैंक तो इलावा नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया तो भी लिया जा सकता है। बीज घोटाला ते अकाली दल दा 22 जिलों विच एक्शन, कसूती किरी कांग्रेस। जी हां, पंजाब विच बीज घोटाले दा मुद्दा सियासी पद्धर ते गरमा गया है। अजिहे विच अकाली दल दे सीनियर नेतावां ने 22 जिलों दे डिप्टी कमिश्नरां नूं दोषियां दी तुरंत गिरफ्तारी लई मंग पत्र सौंपे। अमृतसर DC दफ्तर अकाली दल दे जनरल सकत्तर बिक्रम मजीठिया मंग पत्र देण पहुंचे। दस दईए कि मजीठिया बाजार विच बीज सप्लाई करन वाली फैक्टरी नाल कैप्टन सरकार दे मंत्री सुखजिंदर रंधावा दी गंढ धुप दे इल्जाम लाई। उन्हां कहा कि इह सरकार दे अधीन है, इस लई मंत्री खिलाफ कारवाई नहीं होवेगी। मजीठिया ने मंग कीती कि इस घोटाले दी जांच केंद्रीय एजेंसी जां हाई कोर्ट दे जज तों होनी चाहीदी है। इस पिछे जिम्मेवार लोक सरेआम घूम रहे हन, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हन ते पुलिस 15 दिनां तों कुछ नहीं कर रही। मजीठिया ने दावा कीता कि पुलिस ते पंजाब सरकार दा दबाव है। अजिहा गुरुद्वारा जिथे कदे नहीं बनदा लंगर, फिर भी नहीं जांदा कोई भुखा। जी हां, दस दईए कि साडे देश विच अजिहे बहुत सारे मंदिर अते गुरुद्वारा हन जो पता नहीं किन्ने भेद लुकाए होए हन। अज असीं तुहानू इक अजिहे रहस्यमय गुरुद्वारा साहिब दे बारे दसांगे जिथे कदे लंगर नहीं बनदा अते ना ही कोई गोलक है, फिर भी इस दे बावजूद इथे कोई भुखा नहीं रहिंदा। जी हां, गुरुद्वारा नानकसर सैक्टर 28 चंडीगढ़ विच स्थित है। इस गुरुद्वारे विच ना तां लंगर बनदा जांदा है अते ना ही इथे कोई गोलक है। जी हां, इथे संगत अपने घर बने लंगर लियांदी है। जानकारी अनुसार लंगर देसी घ्यो, परांठे, मक्खन, कई किस्मां दीआं सब्जियां अते दालां, मठियाई अते फल संगत लई रहिंदा है। संगत दे लंगर छकण तों बाद जिहड़ा लंगर बच जांदा है उसनूं सैक्टर 16 अते 32 दे हस्पतालां तों इलावा PGI भेजिआ जांदा है तां जो लोक उत्थे प्रशादा छक सकण। इह कई सालां तों चलदा आ रिहा है। टिड्डी दल बहुत खतरनाक, झुंड विच 15 करोड़ मेंबर, एक दिन विच खा जांदा 35,000 लोकां दी रोटी। जी हां, टिड्डी दल दा हमला वड्डा मुद्दा बनिया होया है। हुण तक राजस्थान, गुजरात ते मध्य प्रदेश विच 50,000 हेक्टेयर तों ज्यादा फसल टिड्डी ने तबाह कर दित्ती है। दरअसल टिड्डियां दा झुंड हवा दे रुख नाल उड्डदा है। इह टिड्डियां दा इक झुंड 35,000 लोकां दी खुराक खा जांदा है। जी हां, यूनाइटेड नेशन दे अधीन आउण वाले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मुताबक रेतले इलाकियां विच पाईआं जाण वालियां टिड्डियां सब तों खतरनाक हुंदियां हन। इह 150 किलोमीटर दी रफ्तार नाल उड्ड सकदियां हन अते 1 किलोमीटर दे दायरे विच फैले झुंड विच 15 करोड़ तों ज्यादा टिड्डियां हो सकदियां हन। FFO मुताबक इक टिड्डी इक बार विच 150 अंडे दिंदी है। कहा जांदा है कि इन्हां दी पहली पीढ़ी 16 गुणा, दूजी 400 गुणा ते तीजी 16,000 गुणा वध जांदी है। जी हां, दस दईए कि विश्व बैंक ने इस साल दे अंत तक टिड्डियां दे हमले कारण कीनिया नूं 8.5 अरब डॉलर यानी 63,750 करोड़ रुपए दा नुकसान होण दा अंदाजा लाया है। कोरोना दे कहर विच नौकरियां ते तलवार, दिग्गज अमरीकी कंपनी वल्लों 12,000 कर्मचारी कड्ढण दा ऐलान। जी हां, दस दईए कि अमरीकी कंपनी बोइंग ने 12,000 कर्मचारियां नूं कड्ढण दा ऐलान कीता है। इन्हां विचों 6,770 कर्मचारियां नूं इसे हफ्ते नौकरी तों कढ दित्ता जावेगा, जदके बाकियां दी अगले हफ्ते छंटी कीती जावेगी। कंपनियां ने कर्मचारियां लई मर्जी नाल नौकरी छड्डण दी प्रक्रिया चलाई होई है। इस लई छंटी दी इस योजना तहत नौकरी छड्डण वाले कर्मचारी भी शामिल हन। जी हां, बोइंग विच करीब
करीब 1.6 लाख लोग काम करते हैं। कोरोना वायरस कारण पूरी दुनिया विच हवाई सफर प्रभावित होया है। कंपनी का मानना है कि आने वाले समय विच उन्हां दा कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा, इसलिए कंपनी ने अपने कुल कर्मचारियों विचों 10% नूं नौकरी तो कढ़न दा फैसला किया है। दोस्तों जे तुहानू इह साडी जानकारी वधिया लगी तां कमेंट करके दस्सियो, लाइक ते शेयर जरूर करियो अते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लियो। धन्यवाद।